नमस्कार दोस्तों, मैं अ कॉर्पोरेट मैन फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरी कल की द्वारा सुनाई गई कहानी आप लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत अप्रिशिएट किया, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और साउंड क्लाउड पे। मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ कि मुझ जैसे नाचीज़ को आपने इतना पसंद किया। और कुछ मेरे सुनने वालों ने बार बार रिक्वेस्ट की कि अगली कहानी कब, अगला किस्सा कब, जल्द से जल्द, यही उनको आश्वासन दिया। और आज मुझे आप लोगों ने मजबूर कर दिया आपके प्रेम ने कि ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। इसलिए मैं अपनी अगली कहानी जो आज आप लोगों के साथ लेके जुड़ा हूँ वो भी उसी पुस्तक से है, यू कैन विन बाय शिव खेड़ा। दोस्तों, आज की जो कहानी या जो किस्सा है ये दो चीज़ों पे आधारित है। एक है हमारी एजुकेशन और दूसरी चीज़ है हमारी जजमेंट। एजुकेशन डज नॉट मीन गुड जजमेंट। आप अच्छे पढ़े लिखे हैं ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आने वाला वक्त हमारी पढ़ाई लिखाई और आज का वक्त भी हमारी पढ़ाई लिखाई के ऊपर ही निर्भर है। लेकिन उसके साथ हमें कुदरत ने एक ऐसी चीज़ बख्शी है जिसे हम कहते हैं निर्णय लेना। जीवन में जिस आदमी को निर्णय लेना आ गया वो कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल समय और दौर को भी पार कर जाता है, उसे कहते हैं जजमेंट। और वो गुर, वो हुनर सबके अंदर मौजूद है। उस ऊपर वाले ने सबको उस चीज़ से नवाजा है। एजुकेशन आप प्राप्त करते हैं, आपके गुरु आपको एजुकेशन सिखाते हैं, बट ये गुर जो आपको ऊपर वाले ने बख्शा है, जिसे जजमेंट या निर्णय लेना या फैसला लेना कहते हैं, ये हर इंसान के अंदर मौजूद है। लेकिन इसका प्रयोग या इसका यूज़ कोई कैसे करता है, कब करता है, कितनी तीव्रता से करता है और किस वक्त पे करता है, ये बहुत मैटर करता है दोस्तों। इसीलिए मैंने अभी एक जो लाइन बोली, एजुकेशन डज नॉट मीन गुड जजमेंट। एक अनपढ़ आदमी, एक गवार आदमी बहुत अच्छा निर्णय ले सकता है और अपने आप को किसी भी मुश्किल से पार निकाल सकता है। और एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान कई बार छोटा सा डिसीज़न लेने में भी डबल माइंडेड हो जाता है, मैं ये करूं कि ना करूं, वो करूं कि ये करूं, क्योंकि उसके अंदर जजमेंट लेने की क्षमता नहीं है, जबकि उसके अंदर एजुकेशन के सभी साधन मौजूद हैं। चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपना किस्सा आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक अधेड़ उम्र का आदमी सड़क के किनारे बर्गर का ठेला लगाता था। बेचारा अनपढ़ था इसलिए कभी अखबार भी नहीं पढ़ी, आँखों की रोशनी भी कम थी, कानों से थोड़ा सा ऊंचा सुनता था, इसलिए सारा ध्यान अपने काम, सिर्फ अपने काम और अपने गाहकों के ऊपर लगाता था। उससे उसके गाहक बहुत संतुष्ट होते थे। वो जो भी चीज़ बनाता लोग बहुत पसंद करते और इसी वजह से आए दिन उसकी गाहकों की गिनती, उसके कस्टमर्स की गिनती बढ़ती चली गई और इस वजह से उसका कारोबार में तरक्की हुई और वो कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में अपने उस ठेले के अंदर नई गैस स्टोव ले आया, सामान बढ़ाया, उसमें लाइट लगा दी और उसमें अच्छा सामान बिकने लगा। गाहक भी एक दूसरे को बताने लगे कि फलां जगह पे उसका बर्गर खाओ, बहुत बढ़िया बनाता है। साफ़ सुथरी दुकान रखनी, बर्तनों का ध्यान रखना, अपने गाहकों का ध्यान रखना, उनसे विनम्र होकर बात करनी। इसी बर्गर बेचने वाले का एक जवान बेटा भी था।
जिसकी पढ़ाई का पूरा खर्च वो इसी ठेले से निकाल रहा था, और कुछ ही दिनों में उसका बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, और उसने अपने पिताजी के पास उनको मिला और उनसे अपनी खुशी सांझी की कि आज वो एक ग्रेजुएट हो गया है, उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। पिता का सीना बहुत गर्व से फूल गया कि आज मेरा बेटा, उसको मैं पढ़ाने लिखाने में कामयाब हुआ, उसको एजुकेशन दिलाने में कामयाब हुआ। हर पिता का सीना फ़क्र से चौड़ा और ऊंचा हो जाता है जब उसके बच्चे उसके सपनों को पूरा करते हैं, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो काम वो बेचारा बर्गर वाला खुद अपने लिए नहीं कर सका, उस रूप में उसने अपने बेटे को करता हुआ देखा कि ये आगे बढ़ेगा, काम करेगा, नौकरी करेगा, आगे भविष्य में सुंदर भविष्य बनाएगा अपनी इस पढ़ाई से। उसके लिए उसने जी तोड़ दिन रात मेहनत की और अपनी पसीने की एक एक बूंद की कमाई अपने बेटे की पढ़ाई पे लगा दी। बेटे ने पिता से पूछा, अब आगे क्या करना है? जैसे हर पिता अपने बच्चों को पहले अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है, वही पिता ने कहा कि बेटा, मुझ बूढ़े के पास तो सिर्फ एक ठेला ही है जिस पे मैं बर्गर बेचता हूँ, क्यों नहीं कुछ दिन तुम मेरा साथ दो? अगर तुम्हें काम अच्छा लगा तो तुम मेरे साथ ही काम बढ़ाना। बेटा भी श्रवण कुमार की तरह पिता की आज्ञा को मान लिया और उनके साथ उनके ठेले पे जाने लगा। एक रात दोनों घर लौटे तो बेटे ने पिता से बोला, पिताजी क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि जो दुनिया है इसमें बहुत बड़ी मंदी छाई हुई है, बहुत बड़ा रिसेशन आया हुआ है। अब पिता बेचारा, उसको क्या मालूम रिसेशन, डिप्रेशन ये किस तरह के शब्द हैं? आजकल हम लोग बच्चे बड़े बूढ़े सब जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन ये पुराने दौर की कथा है, पुराने दौर का किस्सा है। लेकिन यहाँ पे इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मुझे सोहनलाल द्विवेदी जी का कही हुई एक कविता याद आ रही है कि जिस तरह बर्गर वाले ने तरक्की की और अपने बेटे को पढ़ाया, तो उन्होंने लिखा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़ना गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये कोशिश उस बर्गर वाले ने भी की और अपने बेटे को एक कामयाबी के शिखर पे पहुंचते हुए देखने के लिए उसकी पढ़ाई मुकम्मल कराई। तो सिलसिले को फिर वहीं से जोड़ते हैं कि बेटे ने ये कविता पिता से सुनी और उसको सुनाई और उसके बाद बोला, पिताजी आजकल पूरी दुनिया में मंदी छाई है, इसे अंग्रेज़ी में रिसेशन कहते हैं, क्या आपको पता है? पिता ने भोलेपन में जवाब दिया, यार मुझ अनपढ़ गवार को क्या पता क्या मंदी क्या रिसेशन, तुम ही बताओ, पर मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ, क्या है ये? उसने कहा, पिताजी आप नहीं जानते, रिसेशन पूरी दुनिया पर छा चुका है, जिस वजह से बहुत मंदी का दौर है, लोगों के बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं, काम नहीं है, इस वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है और हमारे देश का तो बहुत बुरा हाल है। आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये हमारे देश में और बढ़ जाएगा, इसलिए आप भी अपने व्यापार को संभल के कीजिए। पिता उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, समझ रहा था और शायद किसी कोने में अपने दिल में बिठा रहा था,
क्योंकि वो जानता था कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, अखबार पढ़ सकता है, रेडियो सुन सकता है, इसीलिए तो इसको दुनिया की इतनी जानकारी है। बस फिर क्या था, उस एक बेटे की बात पिता के घर कर गई और अगले ही दिन सुबह पिता ने अपना सामान, जिसको कि हम रॉ मटेरियल बोलते हैं बर्गर के लिए, बंस, आलू टिक्की, तेल, मसाले वगैरह, सब चीज़ों की डिमांड मंगाने के लिए जो लिस्ट बनाई उसे 50% कर दिया, आधा दोस्तों आधा। और जब सामान आधा आएगा तो बिक्री अमूमन कम ही होगी, ग्राहक आए उतने ही आए जितने रोज़ आते थे, बल्कि उससे ज़्यादा ही आए, लेकिन उन्हें मायूस होकर खाली हाथ वापस लौटना पड़ा क्योंकि सामान ना होने की वजह से आज बर्गर ख़त्म हो गए। ग्राहक यूं ही लौटते रहे और धीरे धीरे ग्राहकों ने इतने बढ़िया और टेस्टी बर्गर्स ना मिलने की वजह से धीरे धीरे आना बंद कर दिया। ग्राहकों की गिनती बर्गर वाले को कम दिखने लगी क्योंकि उन्होंने दूसरी दुकानों और ठेलों का रुख कर लिया था। पर यहां कहानी तो दूसरी तरफ ढल रही थी। पिता ने घर आके अपने बेटे को कहा कि बेटा, आज सच में मुझे लगा कि हम उस रिसेशन जो तुम बोलते हो, मंदी, उस दौर में फंसा हुआ अपने को पाया। आज हमारी दुकान उस कगार पे पहुंच गई है कि करीबन बंद करनी ही पड़ेगी, बस इक्का दुक्का गाहक ही आते हैं, वो भी ना के बराबर। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुमने मुझे इस आने वाले संकट से पहले ही आगाह कर दिया, जिसकी वजह से मेरा कई हजारों का नुकसान होने से बचा लिया। देखा पढ़ाई कितनी काम आई, इस वजह से हमारा कारोबार डूबते डूबते जो बच गया और जो था वो मैंने बंद कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? इसकी शिक्षा क्या है? क्या समझ में आया आपको? जो बात मैंने शुरू में कही थी, एजुकेशन और जजमेंट। मैनी टाइम्स वी आर कंफ्यूज इन इंटेलिजेंस विदाउट गुड जजमेंट। पर्सन मे हैव हाई इंटेलिजेंस बट अ पुअर जजमेंट। एक पढ़ा लिखा आदमी भी गलत निर्णय ले सकता है। अगर बर्गर वाला अपने बिजनेस के लिए अपने एक्सपीरियंस से, अपने ग्राहकों से सर्वे करके और अपनी क्षमता से अपने कार्य को देखता, उसके काम में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस एक बात ने गलत निर्णय लेने पे मजबूर कर दिया और उस निर्णय ने आज एक इतना अच्छा चलता चलाया काम, बिजनेस बंद हो गया। ये वही बिजनेस है दोस्तों जिसने उसकी रोटी रोजी चलाई, उसका घर चलाया, उसके बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसी बेटे के एक गलत सोच ने, एक गलत कम्युनिकेशन ने, एक गलत नज़रिए ने, उसके गलत एटीट्यूड ने, उसकी गलत जजमेंट ने उस बेचारे ठेले वाले का काम बंद करवा दिया। आदमी एजुकेशन के साथ सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसका निर्णय लेने की क्षमता सही है। उसके लिए आपको 5 C's यानी 5 C, C फॉर कैट, उससे पहला अक्षर लिया है 5 C, बहुत ज़रूरी है। पहला जो C है वो है करैक्टर, चरित्र। आपका चरित्र बिल्कुल प्योर होना चाहिए। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, आपकी अपने काम के प्रति कमिटमेंट कैसी है, वो फुल होनी चाहिए। तीसरी कन्विक्शन, यानी कि आपकी धारणा
काम के प्रति आपकी धारणा, कर्टसी यानी विनम्रता, हर आदमी से विनम्र रहें, अपने ग्राहक से विनम्र रहें। यहाँ हमारे भारत में बोला जाता है कि ग्राहक भगवान का रूप है, विनम्र रहें। और करेज, साहस, ये वो साहस नहीं जो किसी युद्ध में काम आए, ये वो साहस है निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का, जजमेंट का साहस। तो पांच चीज़ें, करेक्टर, कमिटमेंट, कन्विक्शन, कर्टसी, करेज, ये अगर एजुकेशन के साथ गुड जजमेंट दिलवाए तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस कहानी के अंत में मुझे आज गुलजार साहब का वो शेर याद आ रहा है, कहने वालों का क्या कुछ नहीं जाता, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का, कौन ढूंढे जवाब दर्दों का, लोग तो बस सवाल करते हैं। दोस्तों, इसी शेर के साथ अब ये कहानी, इस किस्से को मैं यहाँ विराम देता हूँ। और आज इसके साथ फिर से मेरे जहन में एक बड़ा सुंदर गीत 1971 में अनंत बख्शी जी ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने उसे संगीत दिया, और हमारे महान कलाकार, महान गायक किशोर कुमार ने उसे आवाज़ दी। फिल्म का नाम आप खुद ही जान जाएंगे। आइए सुनते हैं। काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती, पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती, नाम अपना न बदनाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, हे दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे,
एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल लो जमूरे, रह जाए सब दिल थाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, ये दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। को याद कर, टांगे में लगी जैसे घोड़ी चली जाए, रस्सी पे गोरी ऐसे दौड़ी चली जाए, टांगे में लगी जैसे घोड़ी चली जाए, रस्सी पे गोरी ऐसे दौड़ी चली जाए, चल कर चल राम राम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे। Thank you.